हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल कुक विद दुर्गा। आप सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं? जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं सब्जी। सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी यानी यम्मी सूखी सब्जी हम बनाने वाले हैं आलू बैंगन का। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे राय एक छोटी चम्मच। छोटी चम्मच के बाद अब हम डालेंगे इसमें जीरा हमने लिया है छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा कम। और इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, मीडियम साइज़ का होना चाहिए नॉर्मली। और इसे हम कट करके इसमें डाल देंगे। और ऑयल हमने इसमें ज़्यादा यूज़ करना है ताकि हमें फ्राई भी करना है आलू बैगन ये सब। और ये देखिए, डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बैगन। बैगन हमने पहले डालना है, हमें दूसरे स्टेज पर हमें आलू ऐड करना है, इसलिए बैगन पकने में ज़्यादा टाइम लगता है आलू से भी ज़्यादा। और हमने आलू को बॉईल करके लिया है। और ये देखिए, इसे हमें चला लेना है अच्छे से और इसे हल्का सा पकने के लिए छोड़ना है। और ये देख सकते हैं आप, ये बैगन हो चुका है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ आलू। आलू हमने बड़े बड़े साइज़ का लिया है और हमने बैगन भी आपने नोटिस किया होगा बड़े बड़े साइज़ का लिया है, इसलिए हम बनाने वाले हैं आज आलू और बैगन का दम। और इसे हम सूखे बनाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। और इसे हम ऐड करेंगे नमक। नमक हम इसमें डाले हैं टेस्ट के हिसाब से। और ये देख सकते हैं, और ये डालने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे पालक। पालक हमने इसमें डाला है ऊपर से और इसे हम चलाएंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमने इसके ऊपर से ही डाला है। इसमें हमने डाला है एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके। और इसमें हमने डाला है लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हमने यूज़ किया है 7 से 8 कली। और इसमें हमने डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने लिया है एक छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर फॉर तीखा के लिए, कलर वाला नहीं। और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर एक छोटी चम्मच। और अब हमने इसमें ऐड किया है कलर वाला रेड चिली पाउडर। और इसे हम मिक्स कर लेंगे अब जाके। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बनने वाला है, आप देख सकते हैं। और आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अपने यूट्यूब वीडियो पर अमेजिंग वीडियोज़ अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप अपने घर पर यूज़ कर सकें उसे। और ये देखिए, इसे हम मिक्स कर लेंगे और ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शाही पनीर मसाला या फिर आप दूसरा कोई अच्छा मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद इसे हम मिक्स करेंगे। और ये देख सकते हैं, इसे हम मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ता हमने इसमें यूज़ किया है, वॉश करके अच्छे से कट कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। और इसे हम एक दोबारा अच्छे से चलाकर गैस हम बंद कर देंगे। और आप ये वीडियो एक बार ज़रूर ट्राई करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और आप ये वीडियो एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करेगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।